Well, students, my regards to all of you. Hope you all are fine. I am Jawaz Iqbal Wani, teacher posted at Government High School, Bhartund of District Ramban. Today, I will discuss with you a very important and interesting topic, that is excretion. But before we will start, let's together extend our gratitude to the Direct School Education Jammu and entire team for this great initiative. So students, before we will start discussion on this topic, that is excretion, let's have a quick look that what will be the various learning outcomes for this topic. So sabse pehli jo learning outcome hamari rahegi, that is what is excretion. Excretion ki definition hum study karenge. Excretion hota kya hai, ye kyun zaruri hai kisi bhi living organism ke liye. Then the second is how excretion takes place in different organism. Different organism mean unicellular and multicellular. हम सभी में discuss करेंगे ताकि हमें clear हो जाए कि excretion कितना important है in organisms के लिए. The third learning outcome is how excretion in plants takes place. इसको हम detail में इस class में लेंगे. And brief about excretion in animals. और इसका detail हम अगली class में discuss करेंगे. How excretion in animals takes place. देखो बच्चों, जहाँ तक नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें, जितने भी लिविंग सेल्स हैं ऑर्गेनिज़म्स के, चाहे वो प्लांट्स की हम बात करें या एनिमल्स की बात करें, वो ऑल द टाइम जो है वो वर्क कर रहे होते हैं ताकि जो वो लाइफ है ऑर्गेनिज़म की उसको सस्टेन कर सकें. अब ये जितना भी ये काम करते हैं, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. अब बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब ये सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स, हार्मोन्स, पिगमेंट, इन सब की ये सिंथेसिस कर रहे होते हैं. एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे कुछ कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ या रिएक्शंस भी हो रही होती हैं. जहाँ तक कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन हो रहा होता है, और एनाबॉलिक मीन्स सिंथेसिस या किसी भी कंपाउंड का, किसी भी चीज़ का जो सिंथेसाइज होना, इज़ कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस. अब इस पूरे बायोकेमिकल रिएक्शन में अगर हम देखें, दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर हो रहे होते हैं, जो हेल्प करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एक स्टेडी स्टेट में रहने की. दैट इज़ नंबर वन एक्सक्रीशन, एंड नंबर टू इज़ ऑस्मोरेगुलेशन. फर्स्ट हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन के ऊपर अगर हम बात करें, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज़म को हेल्प करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव करने के लिए, यानी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ एक्सेस टॉक्सिक और वेस्ट प्रोडक्ट. दूसरी बात हमने की, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन. तो बच्चों, ऑस्मोरेगुलेशन जो है ये वो प्रोसेस है जो मेंटेन करवाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर एंड आयनिक बैलेंस को. अब हम इन दोनों की इम्पॉर्टेंस थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन कितने इम्पॉर्टेंट हैं. जहाँ तक इन दोनों की बात हम करें, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, दे गो ऑन साइड बाय साइड एंड हैव वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, तो हमने अभी पढ़ा कि इट रिमूव्स द अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक्सक्रीशन जो है, इट रिमूव्स मेनी टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस जो डैमेज कर सकते हैं सेल्स को अगर ये ज़्यादा देर बॉडी के अंदर रहें. जहाँ तक ऑस्मोरेगुलेशन की बात है, इट रेगुलेट द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूड. इसके अलावा जो हमारा वाटर का जो बैलेंस है वो मेंटेन करता है ये, और जो आयनिक बैलेंस की हमने बात की, आयन जो हैं ये नेसेसरी होती हैं किसी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स वगैरह के लिए, ये आयन्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, एक्सक्रीशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है बिकॉज ये जो बॉडी का फ्लूड है इसका पीएच मेंटेन करके रखता है. अगर हम यूरिन की बात करें, तो नॉर्मली जो यूरिन का जो पीएच है वो रेंज करता है बिटवीन 4.5 to 8. अब ये इसकी इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस की, दैट इज़ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये एक्सक्रीशन क्या होता है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है. तो अभी हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा, एक ऐसा प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, दैट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स
into the surrounding by diffusion. और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज रिमूव्ड थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन. यूनिसेलुलर में इतना कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बने होते हैं जो इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं. एक्सक्रीशन जो है दैट टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म. ये बात हमें जहन में रखनी है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सब में एक्सक्रीशन होता है. लेकिन अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें एक्सक्रीशन जो है वो इतनी हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन उनमें नहीं होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बने होते हैं जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होती है. पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होती है. अगर हम प्लांट्स को एनिमल के साथ कंपेयर करें तो प्लांट्स के जो हैं दे डू नॉट हैव वेल डिवेलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. जिस तरह एनिमल्स में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वेल डिवेलप होता है, सो उस सिस्टम के ना होने की वजह से वो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल है वो उस तरह से बॉडी से बाहर वो नहीं फेंक सकते हैं प्लांट्स. अब रीज़न क्या है, जो डिफरेंसेस हैं फिजियोलॉजी में वो हम सब जानते हैं इस लेवल पे. व्हाट आर द बेसिक फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. देयरफॉर जो प्लांट्स हैं वो जो एक्सक्रीशन जो है उनका एक मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द एनिमल्स. अब जो प्लांट्स में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, जो गैसियस वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये डिफ्यूज आउट करते हैं वो थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स विच आर कॉल्ड ए स्टोमेटा. अब ये थ्रू स्टोमेटा या थ्रू लेंटिसेल जो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होते हैं इनके थ्रू ये बाहर जो है एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को. जो एक्सेस वाटर होता है दैट गेट एवापोरेट्स मोस्टली फ्रॉम स्टोमेटा और स्टोमेटा के से जो ये बाहर निकलता है आल्सो फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द स्टेम फ्रूट एट्सेट्रा. तो एवापोरेशन के कारण भी जो एक एक्सेस वाटर होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है बाहर थ्रू आउट द डे. ये पूरे दिन ये प्रोसेस चलता है और इस प्रोसेस को जिसमें हम ये कहेंगे कि द प्लांट व्हेन दे गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. तो ये वाटर या ये कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो है ये प्लांट के लिए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है जब ये एक्सेस अमाउंट में हो और ये बॉडी से बाहर करते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा थ्रू स्टोमेटा और थ्रू लेंटिसेल. इसके अलावा ये जो स्टेम की सरफेस है या फ्रूट है वहाँ से भी ये बॉडी से बाहर करते हैं. अब जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दे मे बी स्टोर्ड इन लीव्स और वो लीव्स घिर भी जाते हैं तो इस तरह से भी ये वेस्ट उनका बॉडी से बाहर आता है. दूसरा जो वेस्ट मटीरियल जो जमा होता है इन प्लांट्स के अंदर दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेजिन सैप लेटेक्सेस एट्सेट्रा दे आर फोर्स्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द प्लांट एंड बाय एब्जॉर्प्टिव फोर्सेस ऑफ प्लांट सेल्स. तो प्लांट जो है आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम. जैसे अभी हमने पढ़ा कि इन द फॉर्म ऑफ रेजिन सैप वगैरह जो फोर्स होता है सेल्स के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और फिर ये बाहर निकल आता है और इस तरह से ये प्लांट से जो है ये वेस्ट जो है वो बाहर निकल आता है. अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स होता क्या है, ये कैसे होता है, तो हम देखेंगे प्लांट्स डू नॉट हैव मैकेनिज्म टू कलेक्ट ट्रांसपोर्ट एंड थ्रो आउट देयर वेस्ट प्रोडक्ट. वो इसलिए कि उन वो डायरेक्टली आप देखें कि प्लांट जो है वो वाटर भी डायरेक्टली नहीं लेते हैं, वो साइल से विद हेल्प ऑफ रूट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं. उनका खाना बनाने का एक प्रोसेस डिफरेंट है, उस प्रोसेस में जो वेस्ट बनता है उसका एक्सक्रीट होना भी एक डिफरेंट है टोटल एनिमल से. सो इनमें एक प्रॉपर जो है मैकेनिज्म जो है वो नहीं होता है जो कलेक्ट कर सके इस वेस्ट प्रोडक्ट को. दे हैव एडॉप्टेड यू नो वेरिड स्ट्रेटजीज टू प्रोटेक्ट देयर लिविंग सेल फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स. अब जो पुराने ओल्ड लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उनमें स्टोर हो जाता है इन ओल्डर लीव्स और उसके बाद वो गिर जाते हैं. तो इस तरह से भी वो रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को. और जो ओल्ड जाइलम होता है दैट इज़ रेजिन गम्स टैनिन की शक्ल में एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो जमा होता है दे आर डिपॉजिटेड इन द ओल्ड जाइलम और वो
नॉन फंक्शनल हो जाता है, जिस एग्जांपल हमारे पास है हार्टवुड की, यानी कि जो ओल्ड जाइलम है उनमें ये रेजिन, ये गम, ये टैनिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का, वो डिपॉजिट हो जाता है और वो नॉन फंक्शनल जब हो जाता है तो इस तरह से ये बॉडी से बाहर आ जाता है, यानी कि प्लांट बॉडी से ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाता है। इसके अलावा हम बार्क की बात करें, बार्क जो है इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल विच इज़ पील्ड ऑफ पीरियोडिकली, वो पीरियोडिकली यानी कि आप देखेंगे टाइम टू टाइम वो जो छिलका वो जो बाहर से होता है वो निकल जाता है। टैनिन एंड अदर वेस्ट आर डिपॉजिटेड इन द बार्क, ये टैनिन और भी बहुत सारा वेस्ट जो है उन बार्क में डिपॉजिट हो जाता है और वो रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है टैनिन फॉर डाइज एंड इंक्स, तो इसके लिए जब ये निकल जाता है तो वहाँ से ये वेस्ट होता है और इंसिडेंटली ये टैनिन और रॉ मटेरियल फिर डाइज और इंक के लिए इस्तेमाल होता है। सेंट्रल वैक्यूल जो है वो भी बहुत सारा जो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसमें स्टोर हो जाता है इन सेंट्रल वैक्यूल ऑफ द सेल, और क्योंकि इट दे आर अनेबल टू इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, तो जो वेस्ट है वो सेंट्रल वैक्यूल में भी बहुत सारा जमा हो जाता है और इस तरह से सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस तरह से जो मोस्ट प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्टोर हो जाता है सेंट्रल वैक्यूल में जो प्लांट का अपना सेल होता है। इसके अलावा रूट एक्सक्रीशन, डिटॉक्सिफिकेशन या साल्ट ग्लैंड के थ्रू भी जो वेस्ट है वो प्लांट्स का जो है वो रिम्यूव होता है। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। जहाँ तक एनिमल्स की बात है, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें लाइक अमीबा की, दे थ्रो आउट देयर वेस्ट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। सिमिलरली प्रोटोजोआन जो हैं दे हैव नो ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, एज वो जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, वो पानी में रहते हैं, तो उनका जितना भी वेस्ट है दैट इज़ एलिमिनेटेड बाय डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरह से अगर हम सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें लाइक हाइड्रा, दे थ्रो आउट देयर सॉलिड वेस्ट मैटर थ्रू माउथ। हाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं दे हैव वेल डिवेलप्ड स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, दोज ऑर्गन्स कुड बी सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एज इन फ्लैट वर्म एंड लीच, या द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट फॉर एग्जाम्पल ग्रास होपर, कॉकरोच एंड होस्ट फ्लाई आर आल्सो ट्यूबुलर। अब ये क्या करते हैं, दे रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी फ्लूड एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन द बॉडी। इसी तरह से अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, द मेन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन द वर्टिब्रेट्स आर द किडनीज। तो किस तरह से किडनीज बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करती हैं, रिमूव करती हैं, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जब हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने डिस्कस किया एक्सक्रीशन क्या होता है, राइट, फिर हमने पढ़ा एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों कितने इंपॉर्टेंट हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए। फिर हमने एक्सक्रीशन जो है वो प्लांट्स में डिस्कस किया कि प्लांट जो हैं वो किस तरह से एक्सक्रीटी सब्सटेंस को या नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं, ऑल्दो दे डोंट हैव द वेल डिवेलप एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक द वर्टिब्रेट्स लाइक द एनिमल्स हैव, लेकिन स्टिल जो प्लांट्स में हमने पढ़ा कि वो अपना जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, वो थ्रू स्टोमेटा या जो वाटर वेपर्स जो ट्रांसपायरेशन के थ्रू प्रोसेस के थ्रू वो रिमूव होता है वो स्टोमेटा से। उसके अलावा हमने रूट्स से पढ़ा, हमने जो पढ़ा बार्क के जरिए कैसे होता है, या वैक्यूल जो मैक्सिमम वेस्ट जो है वो स्टोर कर देता है, इस तरह से वो रिमूव करते हैं। फिर हमने कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा की बात की, इस तरह से हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन इंसेक्ट्स में पढ़े किस तरह से वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू अपना जो भी नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है वो रिमूव कर देते हैं। एंड फाइनली वी कंक्लूडेड आवर टुडेज डिस्कशन, यहाँ पे हमने कंक्लूड किया आज की वर्टिब्रेट्स में जो है वो मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन होता है जो मेंटेन करता है वाटर बैलेंस, वो है किडनीज। तो अगली क्लास में हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो अभी तक हमने डिस्कस किया आपको समझ आएगा, आपको इससे फ़ायदा होगा, और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज होंगे ज़रूर आप वो पूछें, वो डिस्कस करें, सो देट कि जो कॉन्सेप्ट है आपका वो सही तरीके से क्लियर हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, एंड विल मीट यू डेफिनेटली व्हेन वी टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास दैट इज़ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। थैंक यू वेरी मच।